पटना में थाने में घुसकर आरजेडी नेता के बेटे ने पुलिस अधिकारी से बदसलूकी की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पर हमले के आरोपी को थाने से जबरन छुड़ाने की कोशिश उसने की, जिसके बाद बदसलूकी डीएसपी से की और गिरफ्तार कर लिया गया। नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनते ही ऐसा लगता है कि बदमाश बेलगाम हो गए और नेता दबंगई पर उतर आए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पटना के पीर बहोर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। पीर बहोर थाने के बाहर की ये भीड़ सब कुछ बयां कर रही है। दरअसल ये भीड़ आरजेडी के पूर्व एमएलसी और हंगामा शुरू कर दिया। मिसमैच बिक रहा है, शराब बिक रहा है, दुरुस्ती करी में कोई नहीं हो रहा है, रात दिन काम हो रहा है। जिसके बाद अफसर थाने में घुसे और बदसलूकी पर उतर आए, जिसे पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की। इससे पहले कुछ संदिग्ध लड़कों को पुलिस ने फायरिंग करने के मामले में हिरासत में लिया था, लेकिन इलाके के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और पुलिस के साथ हाथापाई कर आरोपियों को छुड़ा लिया। पुलिस पर हुए इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जब पुलिस पीटने वाले आरोपियों को पकड़कर थाने लाई, तो उसे छुड़ाने के लिए आरजेडी नेता का बेटा थाने पहुंचकर दबंगई दिखाने लगा, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब दुर्व्यवहार पूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। थाना परिसर में ही और थाना के भवन के अंदर ओडी ऑफिसर के पास समझाने की लगातार कोशिश की, आग्रह किया, लोग नहीं मान रहे थे, तो आखिर में उनको जो है रोका गया है। उस पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, आरजेडी के अनवर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और हमारे साथ इस वक्त पटना से प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बड़ा सवाल यह है कि जब इस पर सवाल पूछे जाते हैं तो आरजेडी और जेडीयू के नेता जो हैं वो तमाम बातें गिनाने लगते हैं, लेकिन ये जो दबंगई नेता पुत्र कर रहे हैं, जिसके बाद हिरासत में पिता को भी ले लिया गया, इसको क्या कैसे देखें, क्या कहें इस पर? आदर्श, हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, पटना के गांधी मैदान से अंदर में सब्जी बाग के सामने। ये पीर बहोर थाना है जहां पर रात भर हंगामा होता रहा। और एक और दिलचस्प तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको ये सुबह सुबह दर्शकों को, कि ये एक होर्डिंग लगा हुआ है जिस होर्डिंग में अफसर अहमद की तस्वीर है और ऊपर में लालू यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी, ये सब मौजूद है। और लिखा हुआ है, डर के आगे जीत है, बिहार में बाहर है, महागठबंधन की सरकार है। ये आपने देखा, ठीक थाने के सामने में ये लगा हुआ है। तो जाहिर है, और इसके ठीक ऑपोजिट में सब्जी बाग है, जहाँ जो पूरा इलाका है ये पहले से ही काफ़ी मशहूर रहा है बहुत सारे कारणों से भी। तो आप ये देखें कि पीर बहोर थाने में जो हंगामा शुरू हुआ और वो जिस बात को लेकर हुआ, वो दर्शकों को हम बता चुके हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण बात है। पहली बात ये है कि अफसर अहमद यहाँ का वार्ड पार्षद है और वो किस तरीके से दबंगई से अंदर घुसता है, और ये वो जगह है जहाँ पर हंगामा में रोक रहा हूँ। बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाकर आपने शुरुआत की अपनी बात की, बहुत दिलचस्प हो जाती है। और उसी से जुड़ा एक दिलचस्प एक बात भी सुनाते हैं, क्या कुछ खुद मुख्यमंत्री ने कही थी अपनी बाइक के दौरान मीडिया से बात करते हुए, क्या कहा था पहले वो सुनवाता हूँ, फिर आपके पास लौटता हूँ। कहाँ जंगल राज आया है, कौन जगह हो रहा, यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए। तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? प्रकाश, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जनता का राज है, जनता राज चलता है बिहार में, क्या यही जनता राज है जहां पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं, डीएसपी भी सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं? आदर्श, मैं यही बात कह रहा था कि जिस तरह से अफसर अहमद यहां पहुंचा था और दबंगई कर रहा था, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं वो पसीने छूट रहे थे उनके। इसके पीछे वजह क्या है, हम आपको लिए चलते हैं ठीक उसी जगह पर जहां पर ये हंगामा हुआ था। ये वो जगह है जहां पर अफसर अहमद जो हैं वो खड़े थे और उन्हें पुलिस वाले मना रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अरे भाई मान जाओ, और वो लगातार आरोप लगा रहा था कि स्मैक बिकता है सब्जी बाग में, आसपास के इलाके में शराब बिकती है और आप उसे नहीं पकड़ते हैं और आप निर्दोष लोगों को पकड़ ले आते हैं। तब तक उनके पिता, जो एक ज़माने में कबाब मंत्री के नाम से मशहूर थे, अहमद साहब, जो अभी पूर्व विधान पार्षद हैं, एमएलसी हैं, वो पहुंच गए बेटे के पक्ष में और फिर यहां पर जम का हंगामा लगा।
हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंच गए थे और काफ़ी हंगामा बहुत देर तक होता रहा। पुलिस को इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि अफसर अहमद को यहां पकड़ के रख सकें, बल्कि उन्हें यहां से हटा दिया गया। आपने सुना होगा वो बाइट जिसमें कि यहां के थानेदार ये कह रहे हैं कि बड़े अधिकारियों का इंतज़ार किया जा रहा है। पटना बिहार की राजधानी, बड़े अधिकारियों के इशारे का क्यों इंतज़ार? थाने पर पूरी तरह से लोगों ने चढ़ाई कर दी थी, यहाँ चारों ओर से घेर रखा था। आप समझ सकते हैं, मैंने एक पुलिस वाले से यहाँ बात की तो उसने कहा कि दिक्कत तो हुई है, कल काफ़ी गाली गलौज हुआ है, हमारे अफसर के साथ हुआ है, हंगामा हुआ है, यहाँ तक कि वर्दी उतारने की भी धमकी दी गई है। आप समझ सकते हैं कि पुलिस वाले को उन्हीं के थाने में उन्हें धमकाया जा रहा हो, तो जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे। इसीलिए प्रकाश ये सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो सुशासन का हवाला देते हैं, जनता के राज की बात करते हैं, और दूसरी बात पुलिस वाले खुद अपना काम सुरक्षित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जब एक डीएसपी के साथ इस तरह की चीज हो तो आम पुलिस वालों, बाकी पुलिस वालों का क्या हाल होगा, और इसीलिए सवाल खड़े होते हैं। प्रकाश बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।